स्टूडेंट्स, रिजोल्यूशन में आज हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये बैलेंस शीट दिया हुआ, ऊपर लिखता पी क्यू आर पार्टनर है, 2:1:1 का रेशियो है। हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि हम लोग पहले सारे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं एट देयर बुक वैल्यू, कैश और बैंक को छोड़ के। तो यहाँ बैंक को छोड़ देंगे, फिर स्टॉक है, डेटर्स का पूरा अमाउंट ट्रांसफर करेंगे और प्रोविजन को क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। फिर इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और मशीनरी, ये सारे एसेट्स को हम लोग डेबिट साइड ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। तो स्टॉक, डेटर, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर और मशीनरी को इंडिविजुअली एट देयर बुक वैल्यू ट्रांसफर कर लिए और इसके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को इधर ट्रांसफर कर लिए 8,000। फिर सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को हम लोग रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्रेडिटर है, बिल्स पेएबल है, लोन फ्रॉम पी जो है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी नहीं है क्योंकि पी पार्टनर है, आप देखिए, और पार्टनर का लोन हम लोग रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसको अलग से पे करते हैं। अलग से पे करने का मतलब रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करते, नॉर्मल लाइबिलिटीज जैसे हमेशा पे होता है, उसका जर्नल होता है लाइबिलिटी टू बैंक, तो यही एंट्री करते हैं। तो कभी भी पार्टनर का लोन होगा तो उसके लिए एंट्री करेंगे पार्टनर्स लोन टू बैंक, ठीक है। तो एंट्री करेंगे हम लोग लोन फ्रॉम पी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, इसको हमेशा अलग से पेमेंट करते हैं। लोन है 20,000 का, तो इसको पूरा 20,000 अमाउंट पे कर देंगे। रिजर्व फंड भी कभी ट्रांसफर नहीं होता है, ये पार्टनर्स के प्रॉफिट का हिस्सा होता है, तो ये पार्टनर्स में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं, ठीक है। तो यहां सिर्फ क्रेडिटर और बीपी है एक्सटर्नल लाइबिलिटी, तो इसको भी ट्रांसफर करेंगे। तो इधर क्रेडिटर और बीपी को ट्रांसफर कर दिए। अब देखो नीचे क्या लिखता है, द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन, इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। पिछले वीडियो में बताए थे कि एसेट्स को इधर ट्रांसफर करते हैं और उसको बेचते हैं, पैसा आता है, इधर लिखते हैं बाई बैंक, और अगर कोई एसेट्स टेक ओवर कर लेता कोई पार्टनर तो पार्टनर के नाम से लिखते हैं। तो पी जो है इन्वेस्टमेंट को टेक ओवर कर लिया तो लिखेंगे बाई पीज कैपिटल, और वो टेक ओवर किया एट बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू था देखो 40,000, तो पूरा 40,000 यहां लिख देंगे, यानी पी इन्वेस्टमेंट ले लिया, जर्नल बनेगा पीज कैपिटल टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरह फर्नीचर को क्यू ले लिया 20,000 में, तो लिखेंगे बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट 20,000, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख देना चाहिए, तो यहां लिख दिए फर्नीचर लिया तो ब्रैकेट में फर्नीचर लिख दिए, पी इन्वेस्टमेंट लिया था तो इन्वेस्टमेंट लिख दिए, ये लिया 20,000 में, तो इसका भी जर्नल होगा क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। जर्नल हम इसलिए बता देते हैं कि एग्जाम में कभी कभी जर्नल भी दे देता है, आपको क्वेश्चंस में भी मिल सकता है, जर्नल पास कीजिए तो आप जर्नल भी कीजिएगा। फिर लिखता है क्रेडिटर्स को पे कर दिए 5% डिस्काउंट में, तो क्रेडिटर को 5% डिस्काउंट में पेमेंट किए, क्रेडिटर्स था देखो 80,000, इसका 5% डिस्काउंट यानी 4,000 डिस्काउंट हो गया, तो 76,000 रुपीज पे करेंगे, तो लिखेंगे टू बैंक, अंडरलाइन करके इसके अंदर दे दिए क्रेडिटर 76,000। लिखता अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, स्टॉक, डेटर और मशीनरी के लिए दिया है, स्टॉक से मिला 80%, डेटर से 65,000 एंड मशीनरी से 30% कम यानी 70%। तो स्टॉक देखो यहां था हम लोग का 1,50,000, इसका 80% मिला तो लिखेंगे बाई बैंक, स्टॉक से मिला 1,20,000, डेटर का 65,000 दिया है और मशीन से 30% कम मिला, तो देखो मशीन था 90,000 का, 30% कम यानी 70% मिलेगा, तो मशीनरी से मिला 63,000, फिर इसको बाहर कर दिए टोटल करके, और कोई एसेट से कुछ आया नहीं। फिर एक पॉइंट दिया एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, हम लोग को पे करना पड़ा 2,000, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किए तो उसको भी इसी में लिखेंगे टू बैंक, ठीक है, अलग से भी लिख सकते हैं, इसी में लिख सकते हैं, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लिख लिए 2,000। अब हम पिछले वीडियो में बताए थे किसी एसेट्स के लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसके लिए कुछ नहीं करना, लेकिन अगर लाइबिलिटी के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसको आपको पूरा पेमेंट करना। तो देखो यहाँ बिल्स पेएबल था 10,000, जिसका क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितना पेमेंट करना है, तो इसका हम लोग को पूरा पेमेंट करना पड़ेगा 10,000, ठीक है। तो ये हो गया 88,000, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो टोटल करके बैलेंस करेंगे, इधर आया तो प्रॉफिट और इधर आया तो लॉस। ये बैलेंस आ गया 80,000, इसको हम लोग पार्टनर्स में उन लोगों के रेशियो में बांट देंगे, रेशियो है 2:1:1 का, तो ये 2:1:1 में बांट देंगे, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, सबसे पहले लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, फिर बैलेंस शीट में रिजर्व फंड था, रिजर्व फंड को बांट दिए, फिर यहां देखो पार्टनर्स का नाम है तो ये आ जाएगा
पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो ये इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से, ठीक है, 40,000, 20,000, 20,000। फिर यहां देखो पार्टनर लोग एसेट्स टेक ओवर किया था, तो इसका भी एंट्री हुआ था पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो ये भी इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन के नाम से पी और क्यू में, यानी इधर पार्टनर का नाम है तो इधर आएगा, ठीक है, इधर पार्टनर का नाम होगा तो इधर आएगा, ठीक है। तो यहां देखो पी और क्यू एसेट्स लिया था तो वो इधर आ गया टू रियलाइजेशन, फिर ये लोग का लॉस आया था तो इसके लिए भी आ गया टू रियलाइजेशन, ठीक है। इधर पार्टनर का नाम नहीं है तो इधर नहीं आया, रिजर्व फंड था बांट दी, और क्वेश्चन में कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड नहीं है, और देखो यहाँ पार्टनर्स का कुछ भी नहीं है, ठीक है, रिजर्व एक ही था, हम लोग बांट दिए, कोई फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। पी का लोन था, इसको अलग से पेमेंट करते हैं, ना ये रियलाइजेशन में जाता ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पी के लोन को अलग से पेमेंट की एंट्री हुआ लोन फ्रॉम पी टू बैंक, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कुछ नहीं होगा, अब इसको बैलेंस करेंगे, जिधर भी बैलेंस आएगा बैंक लिख देंगे, इधर आया मतलब वो लोग पैसा ले जा रहा और इधर आया मतलब पैसा लेकर आएगा। दो पार्टनर का इधर निकला तो इधर लिखे टू बैंक, ब्रैकेट में समझने के लिए लिख दिए बैलेंसिंग फिगर, और आर का इधर निकला इसका मतलब इधर लिखेंगे बाई बैंक, इसका मतलब है आर पैसा ला रहा है और पी और क्यू पैसा ले जा रहा है। अब बनाएंगे हम लोग बैंक अकाउंट, सबसे पहले लिखेंगे बाई टू बैलेंस बीटी, एसेट साइड में बैंक दिया हुआ है, उसके बाद देखो यहाँ लोन फ्रॉम पी का पेमेंट किए थे तो इधर आ जाएगा बाई लोन फ्रॉम पी, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में देखो इधर बैंक है तो एंट्री होगा बैंक टू रियलाइजेशन, तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, टोटल अमाउंट है 2,48,000, तो लिख देंगे 2,48,000। उसी तरह इधर बैंक है 88,000, तो इसका जनरल होगा रियलाइजेशन टू बैंक, तो इधर आ जाएगा बाय रियलाइजेशन, इसका ऐसे समझो इधर बैंक है तो ये इधर आएगा, इधर बैंक है तो वो इधर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में है तो इधर बैंक है इधर आएगा बाय रियलाइजेशन, और इधर बैंक है तो इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन। फिर यहां देखो बैंक है तो ये भी इधर आएगा, पी और क्यू में है तो इधर पी और क्यू के नाम से आएगा, तो बाय पीज कैपिटल अकाउंट बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, इधर बैंक है तो ये इधर आ जाएगा टू आर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इधर का इधर, इधर का इधर, जनरल से समझो तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट टू आर्स कैपिटल, तो यहाँ आ गया टू आर्स कैपिटल, और इसका एंट्री होगा पीस कैपिटल क्यूज कैपिटल टू बैंक, तो इधर आ जाएगा बाई के पीस कैपिटल बाई क्यूज कैपिटल। अब सब कुछ अगर सही है तो इसको टोटल करेंगे ये बराबर आएगा, तो ये दोनों तरफ आ गया 2,94,000। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इस बुक का 7 नंबर। ये भी बैलेंस शीट दिया, 2:1:1 का रेशियो है, बैलेंस शीट में आपको एसेट दिया लाइबिलिटी दिया, सारे एसेट्स को कैश एट बैंक को छोड़ के हम लोग डेबिट साइड में ट्रांसफर कर देंगे एट देयर बुक वैल्यू, या गुडविल है तो गुडविल को भी ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सारे एसेट्स को ट्रांसफर किए, गुडविल था गुडविल को भी ट्रांसफर किए, उसी तरह इधर सारा लाइबिलिटीज है लाइबिलिटीज को इधर ट्रांसफर करेंगे, लेकिन ध्यान रखना कि ये पार्टनर का जो लोन है वो ट्रांसफर नहीं होगा, एज लोन ट्रांसफर नहीं होगा, पार्टनर्स के लोन को अलग से पेमेंट करते हैं। हाँ पार्टनर की वाइफ का लोन हो पार्टनर के भाई का लोन हो ये ट्रांसफर कर देंगे, और वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व रिजर्व है तो इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे। इस पर अगर कुछ क्लेम हो तो उससे रिलेटेड बात होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज इस क्वेश्चन में उसके लिए कोई क्लेम नहीं दिया है तो इसको भी छोड़ देते हैं, ये रिजर्व है रिजर्व को पार्टनर्स कैपिटल में बांट देंगे क्योंकि यहाँ कोई क्लेम नहीं है वर्कमैन कॉम्पनसेशन का। अब यहां ध्यान दो फिर से एज लोन है एज लोन को अलग से पेमेंट करेंगे, तो इसका एंट्री अभी आपको बताए थे एज लोन टू बैंक, पार्टनर का लोन को पेमेंट करेंगे, एंट्री होगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम लोग इंडिविजुअली ट्रांसफर कर लिए, गुडविल भी ट्रांसफर होता है ध्यान रखना, पार्टनर का लोन नहीं होता है, पार्टनर की वाइफ का लोन पार्टनर के भाई का लोन सब ट्रांसफर होता है, ठीक है। अब नीचे पढ़ते हैं तो लिखता है ए अग्रीड टू टेक ओवर फर्नीचर एट 20% लेस देन द बुक वैल्यू, ए फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया तो इधर लिखेंगे बाई एज कैपिटल, ब्रैकेट में समझने के लिए फर्नीचर लिख दिए, 20% कम में लिया, फर्नीचर देखो यहाँ पे था 20,000 का, 20% कम में लिया यानी 16,000। फिर लिखता फिक्स एसेट से रियलाइज हुआ 32,000 और स्टॉक से आया 55,000, तो फिक्स एसेट से आया 32,000 एंड स्टॉक से आया 55,000, लिखेंगे बाई बैंक,
फिर लिख रहा बैंडिट्स हो गया 5000, इसका मतलब डेटर्स से 5000 कम मिला। देखो डेटर्स है हम लोग का 30,000, 5000 बैंडिट्स हो गया यानी मिला 25,000, ठीक है। नेक्स्ट लिखता है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन है 3000, इसको पे करना पड़ेगा और क्रेडिटर्स को पे किए 5% कम में, तो लिखेंगे टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस को पे किए 3000 और क्रेडिटर को 5% कम पे किए, क्रेडिटर था 40,000 तो 5% कम हुआ 38,000। फिर लिखता देयर वाज अ क्लेम ऑफ 6400 फॉर डैमेजेस अगेंस्ट द फर्म, इट हैड टू बी पेड, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था जिसको पेमेंट करना पड़ा, तो इसको भी पे करेंगे, तो इधर लिखेंगे हम लोग टू बैंक, तो क्लेम फॉर डैमेजेस को 6400 पे किए। हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि अगर किसी एसेट्स के लिए कुछ दिया नहीं रहेगा कि उससे कितना पैसा आया, तो उसको हम लोग समझ लेंगे उससे कुछ पैसा नहीं आया। तो देखो यहाँ गुडविल था, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि गुडविल से कितना पैसा रियलाइज हुआ, तो उसको कुछ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो आप मिसेस एज लोन है और इसके बारे में कुछ नहीं बताया कितना पेमेंट करना है, बिल्स पेएबल है इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया कितना पेमेंट करना है, तो इन दोनों को पूरा पूरा पेमेंट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे टू बैंक और बिल्स पेएबल और मिसेस एज लोन को पूरा पूरा पेमेंट कर देंगे, तो बिल्स पेएबल है 10,000 और मिसेस एज लोन है 16,000, तो हो गया 26,000। अब इसको टोटल करेंगे, बैलेंस करेंगे, देखेंगे किधर बैलेंस आता है। बैलेंस किया गया 55,400 का लॉस, इसको हम लोग पार्टनर्स में रेशियो में बांट देंगे। अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस बीडी लिखें, वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व था इसको भी पार्टनर्स में बांट दिए। अब इधर देखो ए का कैपिटल है तो ये इधर आ जाएगा, टू रियलाइजेशन करके 16,000 जो फर्नीचर ए लिया, फिर इधर भी ए बी सी तीनों का कैपिटल है ये भी इधर आ जाएगा टू रियलाइजेशन, तो लॉस भी ट्रांसफर कर दिए। अब इधर पार्टनर्स का नाम कहीं नहीं है तो इधर कुछ भी नहीं जाएगा, और तो अब बैलेंस करेंगे, जिसका जिधर बैलेंस आए तो इधर तीनों का बैलेंस आया, लिख दिए टू बैंक यानी तीनों पार्टनर पैसा घर ले गया। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस एसेट साइड दिया था तो लिखें टू बैलेंस बी डी 10,000, फिर यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में देखो बैंक है तो इधर आ जाएगा बैंक अकाउंट में टू रियलाइजेशन 1,12,000, फिर रियलाइजेशन अकाउंट में इधर है टू बैंक तो इधर आ जाएगा बाई रियलाइजेशन, और ये दो बार है देखो टू बैंक तो ये बैंक अकाउंट में दो बार जाएगा बाई रियलाइजेशन के नाम। आप चाहते तो पांचों के लिए अलग अलग टू बैंक लिख सकते थे, फर्क बस इतना होता है कि यहाँ भी पांच बार आपको बाई रियलाइजेशन लिखना पड़ता। अब यहाँ देखो बैंक है तो ये भी इधर आएगा ए बी और सी के नाम से, तो बाई एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल बाई सी कैपिटल, फिर एज लोन है तो इसको छुपाओ तो आएगा बाई एज लोन, ये दोनों तरफ इक्वल आ गया 1,22,000। तो इसको आप लोग अच्छे से बनाइएगा और दो क्वेश्चन हम आपको बनाने के लिए भी दे देंगे, वो आप जरूर से बनाइएगा।